हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि हम लैंग्वेज को कैसे चेंज कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको एक्सेसिबिलिटी पर जाना है और इधर की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है टेक्स्ट टू स्पीक सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है लैंग्वेज शो हो जाएंगे, जैसे कि बंगाली है और यहाँ पर जैंस है, चाइनीज़ है और इंग्लिश है, और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांस है, जर्मन है, हिंदी है और जापान से मलयालम है, पंजाबी है, यहाँ पर तमिल है, टुकरीच है, तो अभी है। इस तरीके से आप इन सारी लैंग्वेज को अपनी कंट्री के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है लैंग्वेज, तो यहाँ पर शो हो जाएगा लैंग्वेज में, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।